गाइस आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ये सॉन्ग टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, यहाँ पे मैं आपको वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको 3 से 4 वीडियो शूट करना है। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो को किस प्रकार शूट करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूं। सिंपल आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है और वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद ऑडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूं। इसके बाद आपको वीडियो को प्ले कर मैं दिखाता हूं कैसे वीडियो शूट करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो आप शूट करेंगे तो कुछ इस तरह से कैमरा के सामने आपको एडिटिंग करना, 2 से 3 बार कुछ इस तरह से हाथ आगे की तरफ बढ़ाना है। तो वीडियो मेरा रॉन्ग साइड शूट है, तो सबसे पहले वीडियो क्लियर पे क्लिक करते हैं और इसे हम रोटेट करते हैं। तो मैंने फाइनली वीडियो को रोटेट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था वो हमारा रिमूव हो चुका है। इसके बाद वीडियो को प्ले करते हैं, फर्स्ट सेकेंड। तो यहाँ पे आपको 2 बार कुछ इस तरह से कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको कुछ इस तरह से ही शूट करना है। तो हमें पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देने हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट का पार्ट जो है एडिट हमारा फाइनल हो चुका है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो कैसे शूट करना है, कुछ इस तरह से आपको आगे की तरफ लेकर आना है और आपको कुछ इस तरह से साइड रोटेट हो जाना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं, कैचिंग निशान पर क्लिक करते हैं और लेफ्ट साइड पार्ट को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो आपने जो गमछे हो या फिर आपने रुमाल जो रख रख के कंधे पे, उस रुमाल को आपको अपने हाथ में लेना है कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से हाथ में लिया हूँ और इस रुमाल को आपको 2 से 3 बार इस तरह से घुमाना है। तो जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं, सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से ही शूट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 बार कुछ इस तरह से घुमा लेना है। इसके बाद इस पोजीशन में आना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, सेम इस पोजीशन में आपको आना है। में आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो हम आपको एक बार फाइनल प्ले कर दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, इसके बाद कुछ इस तरह से घुमा हूँ और अपने हाथ में इसको रुमाल को लिया हूँ, कुछ इस तरह से घुमाया हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा, सेकेंड पार्ट का भी शूट हो चुका है। लास्ट वीडियो जो आपको शूट करना है, आपको कपड़े जो आपने पहन रखे फर्स्ट पार्ट में, इस कपड़े को चेंज करना है और यहाँ पे सेकेंड कपड़े या शॉर्ट आपको चेंज कर लेना है। अब सेम उसी प्रकार घुमाना है आपको, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद आपको जैसे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं आ जाना है। इसके बाद इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। और इस वीडियो को यदि स्लोमो में करना चाह रहे हैं तो स्पीड कंट्रोल पर आना है, 0.5 आपको कर देना है, ये वीडियो स्लोमो में हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस पोजीशन में आना है आपको और एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से, जैसे ही कुछ इस तरह से आप घुमाएंगे अब कुछ इस तरह से आपको आ जाएंगे देखने को। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको हाथ नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और कुछ इस तरह से आपको हाथ, दोनों हाथ जोड़ लेना है, ठीक है। हमारा वीडियो फाइनली एडिट हो चुका है। इसके बाद लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। और आप को मैं फाइनली वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो फाइनली तैयार हो चुका है।
ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और फाइनली वीडियो तैयार हो चुका है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि आप इस पार्ट को वीडियो जैसे एडिट किए हैं, इस पार्ट में आपको ज़्यादा पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है बिल्कुल आपको लास्ट तक कर देना है। इसके बाद जो हमें आइडियो वाले लेयर को मैंने साउंड को म्यूट किया था, फिर से हम इसे 100 कर देते हैं। सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि